हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बानू। आज मैं आपके साथ मीठे सेवियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो झटपट से बन जाती है। आप कभी भी बना सकते हैं, त्योहार में भी या कभी भी बना सकते हैं। अगर अचानक से कोई गेस्ट आ गए तो भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम सेवियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम की जितना सेवियाँ ले लिया है, 150 ग्राम की जितना देसी घी, एक कप दूध, मैंने ड्राई फ्रूट काट लिया है, काजू बादाम पिस्ता मैंने ऐसे काट लिया है, 250 ग्राम की जितना मैंने शक्कर ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं शक्कर। अब मैं देसी घी पैन में डाल दूंगी। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई होने आ चुके हैं, अब मैं इसे निकाल दूंगी। मैं इसमें सेवियां फ्राई कर दूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूंगी। सेवियों को अच्छे से फ्राई करने से उसमें क्रंचीनेस आएगा और खाने में टेस्टी भी रहेंगे। और घी भी अब अच्छा डालिए, जितना घी रहेगा उतना टेस्ट आएगा सेवियों में। और ज्यादातर कोशिश करिए कि आप देसी घी में ही बनाइए। सेवियां अच्छे से फ्राई होने आ चुके हैं, अब मैं इसमें दूध डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। इसको हिलाते जाइए। अब मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी। शक्कर को अच्छे से मिक्स करिए और गैस को लो फ्लेम पे रख दीजिए। धीरे धीरे शक्कर मेल्ट हो जाएगी। शक्कर मेल्ट करते वक्त थोड़ा सा पानी डालिए या दूध डालिए, मैंने और थोड़ा सा दूध डाल दिया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी।
मैं इसमें और थोड़ा आधे कप के जितना दूध डालूंगी। डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसे दम पे रख दूंगी, तब तक सेवें अच्छे से गल जाएंगे। सेवियां दम हो चुके हैं, अब मैं ऊपर से थोड़ा केसर डाल दूंगी। अब आप चाहे तो डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सेवियां बनके तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसे बॉल में निकाल दूंगी। मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा लिया था, अब मैं इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी। और थोड़ा सा केसर डाल दूंगी ऊपर से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी।